नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। लद्दाख में 26 जवानों से भरी बस नदी में गिर गई है। इस हादसे में सेना के 7 जवानों की मौत हो गई है और कई जवान घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के तुरंत बाद जवानों का रेस्क्यू कर लिया गया था, जिन्हें अस्पताल में एडमिट भी कराया गया, लेकिन हादसे में 7 जवानों की मौत हो गई और कईयों को गहरी चोटें भी आई हैं। यह हादसा थोइस से लगभग 25 किलोमीटर दूर हुआ है, जहां सेना की बस श्रयोक नदी में 50 से 60 फीट गहराई में गिर गई, जिसमें सेना के सभी जवान घायल हो गए। सभी जवानों को परतापुर के 403 फील्ड अस्पताल पहुंचाया गया था और लेह से सर्जिकल टीमों को परतापुर भेजा गया है। हालांकि इनमें से 7 जवानों को मृतक घोषित किया जा चुका है। गंभीर रूप से घायल जवानों की मदद के लिए एयरफोर्स से भी संपर्क साधा गया है। इन्हें इलाज के लिए वेस्टर्न कमांड भेजा जा सकता है। सेना की बस किन कारणों से सड़क से फिसलकर नदी में गिरी, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस घटना को लेकर सेना की तरफ से भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जवानों की बस ट्रांजिट कैंप से सब सेक्टर हनीफ के अग्रिम स्थान की ओर जा रही थी, इसी दौरान यह हादसा हुआ है। लद्दाख में आज जिन जवानों ने अपनी जान गंवाई है, उनमें सूबेदार शिंदे विजय राव सरजे राव, नायब सब गुरदयाल साहू, LMD सेजल टी, नायक संदीप पाल, जादव प्रशांत शिवाजी और रामानुज कुमार शामिल हैं। पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में हुए बस हादसे से आहत हूं, जिसमें हमने अपने वीर सेना के जवानों को खो दिया है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।